हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में तो आज मैं आप सभी के साथ एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी जो काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस था और इसी से आपको पता भी चल जाएगा कि गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा होता ही है ठीक है अभी हम काफ़ी देख रहे हैं चाहे के का पेपर हुआ ई का पेपर हुआ पेपर लीक हो रहे हैं सीटें बिक रही हैं तो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो इसी तरीके से मेरे साथ भी एक बार हुआ था मैंने उत्तराखंड के अशासकीय विद्यालय होते हैं गवर्नमेंट जॉब होती है वो परमानेंट जॉब होती है पे स्केल भी अच्छा होता है तो उसमें लेकिन वो जो एग्ज़ाम्स उसमें नहीं होते हैं उसमें मैरिट बेस पे होता है तो वो अशासकीय विद्यालय जब भी अपने फॉर्म निकालते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्कूल्स के निकालते हैं वो हर एक स्कूल के निकलते हैं वो सारे स्कूल के मिल के इकट्ठे नहीं निकलते हैं तो उत्तराखंड के जो अशासकीय विद्यालय हैं वो एक पर्टिकुलर स्कूल किसी न्यूज़पेपर में ऐड दे देता है और उसके अकॉर्डिंग जितने भी वहाँ पे सीट वैकेंट होती हैं उसमें सब कुछ लिखा होता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वैकेंट है दो सीट एक सीट इस तरीके से तो वहाँ के फॉर्म भरे जाते हैं और फॉर्म भी एक पर्टिकुलर जगह पे मिलते हैं ऑफ़लाइन मोड़ में फॉर्म मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोग वहाँ पे फॉर्म नहीं भरते हैं क्योंकि न्यूज़पेपर में आता है पता भी नहीं चलता है और उसके साथ ही ऑफलाइन फॉर्म होता है काफ़ी दूर मिलता है वो फॉर्म जहाँ पर वो स्कूल होगा उसी के आसपास कहीं मिलता है तो एजुकेशन सेंटर में तो वहाँ पे आ, कम अमाउंट में भरे जाते हैं फॉर्म तो चांसेस ज़्यादा होते हैं रिक्रूटमेंट के तो प्रॉब्लम क्या होती है कि मैंने भी ऐसे काफ़ी सारे फॉर्म्स भरे के विद्यालय के मेरे हस्बैंड बहुत दूर दूर फॉर्म लेने के लिए गए कि मैं ऋषिकेश में रहती हूँ मेरे हस्बैंड देहरादून हरिद्वार वो भी अंदर जाके कहीं जाके फॉर्म मिल रहा था पहले ढूँढा जगह कि कहाँ पर मिल रहा है तो इस तरीके से करा तो फॉर्म लेके आए फॉर्म फिल किया पोस्ट किया उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें अटैच करने की बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और काफ़ी सारे स्टैंप वगैरह तो उसमें इतना सारा ताम झाम करने के बाद आ, हम यही सोच के ये सब करते हैं कि हमारी जॉब लग जाए क्योंकि मेरिट बेस पे वो जॉब होती है जिसके मार्क्स अच्छे होते हैं टेंथ ट्वेल्थ ग्रेजुएशन तो उन सब की मेरिट निकलती है सीटेट वगैरह इन सब की मेरिट निकलती है उसके बाद वो सेवन कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद वहाँ पे इंटरव्यू लेते हैं तो मैंने तो यही सोच के भरा था कि मार्क्स मेरे अच्छे हैं टेंथ ट्वेल्थ ग्रेजुएशन में तो क्या पता हो जाए और परमानेंट जॉब होती है गवर्नमेंट जॉब होती है तो ये सोच के मैंने भरा और उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू के लिए सेवन कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते हैं तो एक मैंने काफ़ी सारे स्कूल्स का भरा था उस दौरान तो एक स्कूल से तो मेरे घर लेटर भी आ गया था कि आपका इंटरव्यू है इस डेट को तो उसके बाद लेटर आने के बाद एक दो दिन बाद मुझे कॉल आया तो उन्होंने बोला कि हम इस स्कूल से बोल रहे हैं आपके पास लेटर पहुंचा होगा तो मुझे एक्जैक्टली नाम भी ध्यान नहीं था स्कूल का क्योंकि मैंने मैंने कहा जब जाना होगा तभी देखेंगे क्या है कैसे है तो मैंने कहा हाँ तो मुझे लगा कि चलो यार उन्होंने कॉल किया है कुछ काम होगा तो लेकिन उन्होंने सीधे डायरेक्टली मुझे ये पूछा कि पीजीटी पोस्ट के लिए मैंने भरा था तो पीजीटी पोस्ट है और आप इंटरव्यू देने आएंगे मैंने कहा हाँ जी आएंगे तो इंटरव्यू तो आपको तो पता ही होगा कि इसमें क्या होता है मैंने कहा क्या होता है मैंने कहा इंटरव्यू होगा तो बोल रहे हैं कि आपको पता ही होगा कि थोड़ा बहुत तो इतना लेना देना होता ही है ये वो सो इस तरीके से उन्होंने बोला तो मैंने कहा कितना होता है मैंने कहा चलो देखते हैं क्या बोलते हैं कैसे बोलते हैं तो उन्होंने मुझे बोला फिफ्टीन प्लस मतलब पंद्रह लाख से ऊपर पंद्रह लाख से ऊपर आपको देना होगा तो मैंने कहा इतना अमाउंट किसके पास होगा इतना अमाउंट ही होता तो हम तैयारी क्यों करते हैं गवर्नमेंट जॉब की तो बोलते हैं भाई इतना तो लगेगा ही पीजीटी की पोस्ट है ऐसे ही थोड़ी हो रहा है गवर्नमेंट जॉब है ये है तो भाई मैंने भी ये बोला कि भाई अगर ऐसा ही था तो फिर देने की ज़रूरत ही क्या है किसी को भी हायर कर लीजिए जो आपको दे रहा हो इतने आप इश्तीय देते हैं न्यूज़पेपर में देते हैं फिर हम जाके भरते हैं इतनी दूर हम इंटरव्यू देने आएंगे ये वो देट मीन्स ये पूरा प्रोसेस इसलिए ही होता है उसके बाद मैंने दूसरा भी भरा था उसका तो मेरे घर में आया ही नहीं आ, लेटर उसका किसी ने मुझे कॉल किया कि आपका लेटर मेरे पास पड़ा हुआ है आप लेने आ जाइए और तो फिर मैं लेने गई उनसे लेटर देहरादून लेने गई मैं ऋषिकेश से हस्बैंड के साथ तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको ना ऐसे ऐसे देना होगा तो मैंने कहा भाई इतने पैसे तो मेरे पास नहीं हैं पंद्रह लाख रुपए कैसे होंगे मेरे पास तो उन्होंने मुझे बोला कि भी देना तो पड़ेगा मैं खुद इसी तरीके से वो प्राइमरी टीचर थे मैं खुद इसी तरीके से दस लाख दे के मैं प्राइमरी टीचर में लगा हूँ तो ये तो करना ही पड़ता है कि पाँच तो हमें ऊपर ही देने पड़ते हैं ऊपर जो अथॉरिटी होती होगी हाई जो भी होते होंगे उनके मिनिस्टर वगैरह जो भी होते होंगे तो उनको पाँच तो हमें उनको ही देने होते हैं उसके बाद जो बचते हैं वो नीचे के लोग बाँटते हैं आपस में तो भाई मैंने सोचा कि मतलब हद है कि मतलब करवाते ही क्यों हैं ये करवाते इसलिए हैं कि सेवन कैंडिडेट्स को ये सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद जो ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको ये फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद ये इनका लगता है कि जो भी इनको पैसे दे रहा है उनसे हम पैसे ले लेते हैं और फिर सीट उनको पंद्रह पंद्रह बीस बीस लाख में सीट उनको बेच देते हैं तो मतलब ये बहुत ही सिस्टम गलत है हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं एक एक सीट के लिए कैंडिडेट इतनी मेहनत कर रहा है और आप इस तरीके से सीटों को बेच रहे हैं तो ये बहुत गलत है और गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कई एक बार आई भी थी न्यूज़ उत्तराखंड में काफ़ी जो लोग हैं वो ऐसे ही घपलेबाजी में फंस के और उनको रेस्टिगेट किया गया था तो मतलब सस्पेंड वगैरह किया गया था तो ये बहुत ही गलत है कि अगर ये जो इतने सारे अशासकीय विद्यालय हैं उत्तराखंड में और काफ़ी जगह हैं उन सबको इकट्ठा करके अगर ये ऑनलाइन मोड में अगर एग्ज़ाम ले तो वो ज़्यादा बेटर होगा ऐसे ये घपलाबाजी कर रहे हैं पंद्रह पंद्रह बीस बीस लाख रुपए ले रहे हैं एक एक सीट के लिए बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है अगर एक्चुअल में सही तरीके से ईमानदारी से इन सीटों को निकाला जाए सारी सीटों को और सही तरीके से किया जाए तो मेरे को लगता है जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनमें से सिक्सटी सेवेंटी परसेंट तो आराम से हायर हो जाएंगे इतनी सारी पोस्ट हमारे इंडिया में गवर्नमेंट टीचर्स की है गवर्नमेंट स्कूल्स में दो दो तीन तीन टीचर हैं किसी किसी सब्जेक्ट के तो टीचर ही नहीं हैं तो इतनी सारी पोस्ट वैकेंट रहती हैं लेकिन वही है ना कि खाएंगे कैसे करप्शन कैसे होगा फिर इनकी जेबें कैसे भरेंगी तो मुझे अपना ये एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना था कि फिर उसके बाद तो मैंने के विद्यालय का भरना ही छोड़ दिया मुझे पता था कि इसमें ऐसा ही होता है क्योंकि मैंने दो तीन भरे थे और दोनों तीनों में मुझे कॉल आया था आ... पैसे देने के लिए तो मुझे समझ में आ गया था कि भाई आप लोग भी मैं ये चाहूँगी जो भी अशासकीय विद्यालय हैं उनको टाइम वेस्ट मत कीजिएगा भर के और कई बार ये भी अगर आप ये सोचें कि हमारे पास तो पैसे हैं हम दे देंगे कई बार ऐसा भी होता है कि पैसे खा लेते हैं और जॉब भी नहीं देते हैं फिर आप क्या करेंगे कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि मेरे कुछ एक दो रिलेटिव थे उन्होंने कोई उनके लोअर लोअर उसमें सरकारी जॉब थी लोअर क्लर्क वगैरह की तो उसमें Uh, उन्होंने तीन चार लाख रुपए दिए भी थे उनको अपॉइंटमेंट uh, लेटर भी आ गया था उसके बाद भी उनको जॉब नहीं दी गई तो अब उसके बाद हम कंप्लेन भी नहीं कर सकते किस बात की कम्प्लेन करेंगे हमने तो खुद ही का, uh, गलत काम किया है ना कि हमने उनको पैसे दिए हैं तो इसलिए बस मैं यही चाहूँगी कि ऐसे उल्टे काम ना करें अब क्या कर सकते हैं बस यही है कि अपना मेहनत करते रहें नॉलेज कभी भी खराब नहीं जाती है अगर आप सबके साथ किसी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें